हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, दुर्ग में आज किस तरह की बड़ी हलचल रहने वाली है और क्या कोई मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट भी होगा? जी देखिए, अगर बात करें दुर्ग की तो खासकर अगर केवल दुर्ग जिले से बात करना, दुर्ग जिले के बारे में बात करना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि दुर्ग संभाग को एक बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी वर्चुअल उद्घाटन के माध्यम से देने वाले हैं। जो मैं खड़ा हूँ अमित जी, ये रेलवे का सोलर पावर प्लांट है, जहां पर ये करीब 280 करोड़ की लागत से 50 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने वाला यह सोलर प्लांट है। और इस सोलर प्लांट से एक बड़ी बात यह होगी कि रेल जो अपने खर्चों में कटौती करने की बड़ी बात करती है ना, तो उसे लेकर एक बड़ा प्रयास ये है कि रायपुर से लेकर भिलाई तक जो एक ट्रेन लाइन जाती है यहाँ पर, इस ट्रेन लाइन को इस सोलर पावर प्लांट की बिजली से उपकृत किया जाएगा और वहां से जो गाड़ियां हैं, जो रेल गाड़ियां हैं, वह दुर्ग तक पहुंचेंगी। बहुत बड़ा प्रयास है, एक बड़े खर्च को, लागत में जो खर्च होती है उसे, उसकी कटौती को लेकर एक बड़ा प्रयास है। इसके साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से कुछ स्टैंडीज लगे हैं, एड बोर्ड लगे हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर, जिसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में रेल इंफ्रा का तीव्र विकास, 50 मेगावाट से रेलवे सोलर पावर बिजली पावर प्लांट, और दूसरा और घरों में भी ठीक इसी तरीके से घरों में भी सोलर पैनल लगाए जाने की बात पीएम मोदी इस उद्घाटन सत्र के दौरान कहेंगे। बताया जा रहा है कि उसको उद्घाटन के दौरान और भी ऐसी बातें होंगी जिसमें दुर्ग जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र से ऐसे लाभार्थी जो केंद्र की योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर की जाने वाली बात हो, तो इस तरह की चीजों को लेकर पीएम मोदी स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से रूबरू भी होंगे। एक बड़ी बात है, लोकसभा चुनाव की तैयारी के ठीक पहले 4 दिन के भीतर पीएम मोदी का आम लोगों के साथ, एक पूरे जनसाधारण के साथ रूबरू होना एक बड़ा संकेत देता है। जी जी सुबोध जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और दुर्ग संभाग की तमाम खबरें पहुंचाने के लिए।